स्वागत है आप सभी का डीएन आनंद ब्लॉग्स में। मैं हूँ डीएन आनंद, एक नए रेल ब्लॉग्स में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम अपने रेल सफ़र में पहुँच चुके हैं बिहार राज्य के लखीसराय जंक्शन, और जो अभी ये ट्रेन जा रही है ये पटना पुरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, जो कि अभी लखीसराय से खुलकर किऊल जंक्शन की ओर जा रही है। और जस्ट लखीसराय स्टेशन है, और किऊल जंक्शन और लखीसराय स्टेशन जो है वो दोनों के बीच में एक ब्रिज है, और उस ब्रिज का नाम है किऊल ब्रिज, यानी कि किऊल जो नाम पड़ा है वो एक नदी यहाँ पर है किऊल, उसी के नाम के ऊपर है जो है ब्रिज का और नदी दोनों का नाम रखा गया है। लखीसराय जंक्शन जो है वो लखीसराय जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसके जस्ट बगल में ही है। और लखीसराय के अगर हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो लखीसराय जो है किऊल नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर है, और जो स्टेट हाईवे है 33 यहाँ से गुजरता है। यह बिहार के महत्वपूर्ण शहरों में एक है। इस ज़िले का गठन जो है 1994 में 3 जुलाई को हुआ था। इससे पहले यह मुंगेर जिला के अंतर्गत आता था। उस टाइम जो अभी के जो मतलब इतिहासकार हैं उनका कहना है कि यह पाल वंश के समय में अस्तित्व में आया था लखीसराय, और यह दलील मुख्य रूप से यहाँ के धार्मिक स्थलों को साक्ष मानकर भी दिया जाता है, क्योंकि उस समय के जो हिंदू राजा मंदिर बनवाने के शौकीन हुआ करते थे, और उन्होंने इस एरिया में बहुत सारे हिंदू मंदिरों का जो है निर्माण करवाया था। इनमें से कुछ मंदिर जो है आज के डेट में बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके हैं, जैसे कि अशोक धाम, भागवती स्थान, बरहिया, श्रृंग ऋषि, जलप्पा स्थान, अभयनाथ स्थान, अभयपुर, माँ दुर्गा मंदिर, तेतरहाट हनुमान मंदिर, तेतरहाट माँ दुर्गा मंदिर। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी यहाँ पर जो धार्मिक जो दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी ही फेमस जो है माना गया है आज के समय में। और इतिहास के बारे में और एक चीज़ अगर गौर कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि लखीसराय की जो स्थापना था वो यह क्षेत्र हिंदू और बौद्ध देवी देवताओं के लिए प्रसिद्ध है। जब इसका स्थापना हुआ था तो उस समय जो यह क्षेत्र था हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, और इसको जो है बौद्ध साहित्य में इस स्थान को अंगुत्री के नाम से जाना जाता है। इस अर्थ है जिला, यानी प्राचीन काल में जो ये अंग प्रदेश का एक सीमांत क्षेत्र था। पाल वंश के समय में यह स्थान कुछ समय राजधानी भी रहा था। उस समय धर्मपाल से संबंधित साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। जिले के बालगुदर क्षेत्र में मदन पाल का स्मारक भी है, जो कि 1161 से 1162 के बीच में थे। भी हेनसांग ने इस जगह पर 10 बौद्ध मठ होने के विस्तार से भी बताया है। अगर आप हिस्ट्री के अगर थोड़ा बहुत जानकार होंगे तो आप जानते होंगे शायद, या आप सर्च करेंगे तो आपको पता भी चलेगा। और अगर इस स्टेशन का अगर हम कनेक्टिविटी का अगर बात करें तो हवाई मार्ग जो है यह शहर हवाई मार्ग से सीधे तौर पर तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन राजधानी पटना से हवाई मार्ग की जो है सुविधा है। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।